मामा पेड़ क्या होता है, यू नो दे हैव टू सी ट्रीज, दे हैव टू सी थिंग्स लाइक दिस, एंड स्पैरोज आए, या दे डोंट नो, मेरे बच्चे नहीं पता कि स्पैरोज क्या होते हैं, यू नो वो छोटा है, दे व्हाट व्हाट मामा ओनली क्रोस, सो यू हैव टू टेक ऑन सम You have to do something. So we can't say के सब government करे ना. Yeah. Yes, कुछ yes, सबसे पहले तो attitude. See देखिए मैं people, एक छोटी सी बात करता हूँ कि लोग कैसे हैं. जब you know बहुत सारे offices हैं जहाँ पे first floor पे offices हैं, second floor पे banks वगैरह हैं. तो वहाँ पे corner जो होता है ना वहाँ पर तो लोगों की habit है वो पान वान खा करके वो लोग spit करते हैं. तो बहुत सी जगह क्या होते हैं कि building वाली जो है ना वो भगवान के अल्लाह राम जीजस ऐसा चर्च मंदिर के फोटोग्राफ रखते ताकि वो लोग वहाँ पे स्पिट ना करें. तो लोग इतने ओवर स्मार्ट है कि वो फोटोग्राफ छोड़ के बाजू में स्पिट करते हैं पर स्पिट करना नहीं छोड़ते. तो इसमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा लोगों को, उसके बाद हर एक नागरिक को कम से कम सिविक सेंस होना चाहिए. वो सिविक सेंस जो जब कोई आपको देख नहीं रहा हो आप क्या कर सकते हो आपके देश के लिए. मैं अपने बच्चों को हमेशा सिखाती हूँ मिलता है प्लास्टिक में कंटेनर मिलते हैं एंड दे नो इट. इनफैक्ट जब हम सिनेमा हॉल जाते हैं और वो लोग पेपर कप देते हैं हमें, मेरा बोथ माई चिल्ड्रन नो के ओहो हमें यूज नहीं करना चाहिए. घर से मैं कप लेती हूँ, घर से मैं बॉटल लेती हूँ एंड दे नो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ऑल दिस. सो अगर हर एक माँ अपने बच्चों को सिखाएगी कि ये आपको करना है तो आई कैन टेल यू एंड आई कैन अश्योर यू कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको अगर डिफरेंस नहीं महसूस होगा तो यू कैन चेंज माई नेम. इट्स अ मदर्स ड्यूटी टू टीच हर चिल्ड्रेन बिकॉज वी आर गोना सेव मदर अर्थ एंड दिस इज आवर कंट्री. पहले मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 65 सालों में समुद्र का पानी आप मुंबई के नक्शों में ऐसा काला हो गया है कि लोग उसके अंदर पैर भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आज तक कभी भी भारत सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी कि कौन सा पानी समुंदर में जाएगा. तो जितना वेस्ट आता था वो वेस्ट चाहे इंडस्ट्रियल हो या होम यूज हो या कमर्शियल हो सब पूरा समुंदर में जाता था. पिछले 1.5 साल में भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि समुंदर के अंदर जो पानी और वेस्ट आएगा वो प्योरीफाई होकर जाना चाहिए. ऐसे आप कोई भी वेस्ट फिल्टर बिना फिल्टर वेस्ट आप उसमें नहीं डाल सकते हो. लेकिन आज बहुत अच्छा वर्सोवा के अंदर हमने देखा है पिछले 5 साल से काफी यूथ इसको बीच क्लीनिंग का काम करा था. आज इतना सुंदर बीच है तो ये आज लोगों की जागरूकता थी जो आज वर्सोवा का बीच इतना क्लीन हुआ है और मुंबई में सब बीचेस के प्रति काफी यूथ आगे आया है कि उसको क्लीन अप करने के लिए. तो मेरा ऐसा मानना है कि वर्सोवा में आज वो अफ्रोस एक आज मिसाल है जिसने पूरे इंडिया ने उसको फॉलो किया. ऐसे ही ये मैंग्रोव और एनवायरमेंट और प्लास्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे इशू है. सरकार और सिटीजन मिलकर मुंबई को एक ग्रीन सिटी और मोदी जी का 2022 में जो सपना है ग्रीन सिटी और क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया ये सपना जरूर पूरा होगा. इसकी एक छोटी सी शुरुआत हम युवा और ये हमारे जो सेलिब्रिटीज जो आज लोगों का चेहरा है और लोग इनको फॉलो करते हैं यहाँ से एक सोशल अवेयरनेस का प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं. जो है कि मन शांति कैसे मिले और इसमें मैनग्रोव का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसका कारण ये है कि व्हाट इज मैनग्रोव. मैनग्रोव इज पार्ट ऑफ आर इकोसिस्टम. इसके वजह से काफ़ी सारे जो बर्ड्स हैं पशु पक्षी जो है वो जीवित है और अगर मैनग्रोव नहीं रहेंगे तो ये सब गायब हो जाएंगे. एंड टू कम्प्लीट द इकोसिस्टम जो हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है मैनग्रोव को प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है और बहुत रैपिड तरीके से बहुत जल्दी जल्दी इनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. सो इट बिकम्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम रोके. अगर हम देखते हैं कि मैनग्रोव डिसअपियर हो रहे हैं तो हम अपने आप के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और स्टेप्स ले ताकि ये ना हो. अच्छा इनिशिएटिव आप कर रहे हैं आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, क्या पर्पस है इस वॉक का? देखिए पिछले कई साल से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे और एनवायरनमेंट को लेके पूरे देश में काफ़ी जागरूकता पिछले कई सालों से लोगों के अंदर आई है. लेकिन आज हमने मैंग्रोव सेफ मैंग्रोव करके एक ड्राइव का मुंबई में शुरुआत करें. मैंग्रोव आप सबको पता है कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण विषय
अच्छे हैं मुंबई के लिए, और जब मुंबई में इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो मैंग्रोव्स का बचाना, और आज बहुत से लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि मैंग्रोव्स को काट के लैंड का इंक्रोचमेंट हो रहा है, वहाँ पे इलीगल तरह के कंस्ट्रक्शन और झोपड़ों को बना के लोगों को बेचे जा रहे हैं। तो आज हमारी जागरूकता ये बहुत जरूरी है एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन और एज अ पॉलिटिकल सोशल वर्कर ऑल्सो, कि इसके प्रति एक मुहिम चालू करें। और एक आज यहाँ पे वर्सोवा में मैंग्रोव्स के काफ़ी बड़े इश्यूज हैं, और मलाड का ये एक ऐसा पट्टा है मुंबई का जहाँ पे एक बहुत ही मैंग्रोव्स की समस्या है। तो यहाँ के रेजिडेंट के साथ और हमारी सेलिब्रिटी सब यहाँ पे हैं, उनके साथ एक सेव मैंग्रोव्स करके ड्राइव की शुरुआत हम यहाँ पे आज कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि पिछले दो वर्षों में जब कोस्टल रोड का काम चालू हो रहा है मुंबई में, उसमें जो सीआरजेड की लाइन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने उसको हटाई नहीं, उसको वहीं पे रखी है सीआरजेड की लाइन को, जिसके कारण जो कोस्टल रोड और मुंबई के तट के किनारे जो बीच की लैंड बचेगी, बीच की जगह बचेगी, वहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट ग्रीन जोन बनाया जाएगा। तो सरकार का पूरा प्रयास है कि ग्रीनरी को वैसे ही बरकरार मुंबई की रखें, साथ ही साथ एज अ सिटीजन मैंग्रोव्स को काटने के जो लोग काम कर रहे हैं उसके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हमारी महाराष्ट्र सरकार से ये निवेदन रहेगा कि एक हेल्पलाइन नंबर महाराष्ट्र में बीएमसी मुंबई में चालू करे, जो भी मैंग्रोव्स को काटने के प्रति काम करेगा उसकी कोई भी कंप्लेन ऑनलाइन तुरंत वहां पर रजिस्टर हो, उसके केस खिलाफ कार्रवाई चालू हो। ये प्रयास में एक छोटा सी पहल आज हमने शुरुआत की, और मेरा ऐसा मानना है ये पहल के साथ वर्सोवा में आने वाले समय में इस विषय को बहुत ही गहराई से लेंगे, और इसके प्रति सेफ मैंग्रोव्स के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। आपको लगता है ग्लोबल वार्मिंग भी इसमें एक 100%? आज अगर पेड़ पौधे रहेंगे, आपने देखा है कि टेम्परेचर कितना कम होता है उनके पेड़ पौधों के हिसाब से, वैसे कितने 10 करोड़ प्लांट पिछले 3 साल के अंदर सुधीर मुनगंटीवार जी ने, हमारे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर, उन्होंने महाराष्ट्र में प्लांटेशन का काम किया है। लेकिन उसके साथ साथ एक सिटीजन का भी जो अवेयरनेस होनी चाहिए, लोग भी काफ़ी अवेयर हैं पिछले 2-3 वर्षों में। अब 5 साल में आपने देखा है कि मोदी जी के आने के बाद लोगों के अंदर शायद समाज के प्रति, स्वच्छता के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति काफ़ी जागरूकता आई है। तो ये हमारे यंगस्टर्स की भी उम्मीद है इसके साथ में जुड़े और इस पहल के साथ उसको आगे बढ़ाए। अली जी, आप यहाँ से इसी एरिया से, आप इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट मैं वेरी फ्रैंकली मोहित सर ने जितने टेक्निकल बात की है वैसे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट जो भी उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ यारी रोड, यही बेल्ट पे हूँ, एंड जितनी जो समझ मुझे है मैंग्रोव्स के बारे में, आई थिंक इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर आर एनवायरमेंट बेसिकली, एंड इलीगली हो रहा है यहाँ के बेल्ट में, तो मेरे ख्याल से थोड़े से मतलब जितना मैंने सुना है वो ड्रग्स वगैरह भी होता रहता है यहाँ पर, तो ये दिस इज अ सीरियस इशू हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए भी। तो एज ए सिटीजन मेरा ये हक बनता है, मैंग्रोव्स बहुत खाली है, अब मैंग्रोव्स बचाते हैं। सर, आम जनता के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए आज, आज इस महान दिन पर, कि हम कैसे सेव करें अपने अपने पर्यावरण को। शायद गाड़ियाँ भी कम अगर यूज करें हम तो उसे बहुत ही सेफ रख सकते हैं अपने पर्यावरण को, प्लास्टिक का यूज। आप एक अच्छा मैसेज दीजिए सर हमारे यूथ को और पूरे समाज को। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले कई वर्षों में जिस तरह से मुंबई की पॉपुलेशन बढ़ी है और ट्रांसपोर्टेशन को लेके सरकार ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की, जिसके कारण मुंबई आज इतनी जैम सिटी और लोगों को आज ट्रांसपोर्टेशन में इतनी दिक्कत हो रही है। ठीक है, लोगों को मैसेज हम देंगे, लेकिन मेरा एक बहुत स्पष्ट मानना है कि पिछले 3 वर्षों में चाहे मेट्रो का एक्सपेंशन, लोकल रेलवे का, जिस हिसाब से 70 लाख लोग रोज ट्रेवल करते थे उसकी कैपेसिटी बढ़ा के 1.25 करोड़ कर रही है अभी सरकार। 1 करोड़ लोग रोज मेट्रो के अंदर ट्रेवल कर पाएंगे, कोस्टल रोड का काम है। जब आज ट्रांसपोर्टेशन मुंबई का जो सरकारी ट्रांसपोर्टेशन जितना अच्छा एफिशिएंट होगा, लोग अपनी गाड़ी से कम ट्रेवल करेंगे और वो मेट्रो और रेलवे और बस को यूटिलाइज करेंगे। आज बीएसटी बस को भी चेंज करके आज सीएनजी और गैस के ऊपर इसकी बात चालू है, इलेक्ट्रिक बस की बात चालू है, बीएसटी और म्यूनसिपैलिटी उसके ऊपर टेंडर के ऊपर काम कर रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा देना ये सरकार का काम है, उससे एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, प्लास्टिक फ्री हो उसके प्रति सबकी है। पिछले 1.5 साल से प्लास्टिक को बैन करने के बाद लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है एनवायरनमेंट के प्रति। आज एनवायरनमेंट के साथ साथ खुद को भी हेल्दी रखना, लेकिन हेल्दी जब रखेगा, बाहर वॉक करने को जाओगे तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहेगा, तो लोगों को लगता है कि आज कंपेयर करते जब इंटरनेशनल सिटी से तो मुंबई को बहुत पोल्यूटेड माना जाता है, कि रोड पे वॉक करेंगे तो धुआं इतना आता है कि उसके कारण आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। आज अलग अलग तरह की एलर्जीज ऐसी हैं कि जो बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज को विद इन 3 ईयर्स
चाहे वो पिजन के कारण, ऐसे एनवायरमेंट में काफ़ी इश्यूज लोगों को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो अभियान है, जागरूकता है, इसके कारण मुझे लगता है आने वाले समय में सरकार जिस हिसाब से प्लास्टिक के प्रति, ट्रांसपोर्टेशन के प्रति, गार्डन्स को सेव रखें और नए गार्डन्स बनाएं, उनका इंक्रोचमेंट कम होगी, लोगों बच्चे उसमें आगे खेल सके, उसमें ट्री प्लांटेशन ज़्यादा हो, ये काम चालू है और 2-3 साल के अंदर काफ़ी मुंबई को आप नया मुंबई करके आपको चेंज होकर नजर आएगा। धन्यवाद। It's a great initiative and I'm very happy that you know they are for us because it's obviously jitna hamare around things rahega is better for us also. So I think it's great. Yeah, I think they're doing a very very good job. Okay. Here we are because we support the initiative and that's why we're here to make sure that it goes through and it goes through very well. Rajiv, aap kya kehna chahenge? नमस्कार जी। मोहित जी, आपने बहुत अच्छी बातें बोली हैं। एक चीज़ मैं युद्ध और जो हम लोग हैं यहाँ पे वर्सोवा और लोखंड वाला, एक चीज़ सिर्फ आपसे मैं चाहता हूँ कि इनिशिएटिव अगर आप करवाएं तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ये प्रण ले लें कि जो 2-व्हीलर खरीदता है उसको कम से कम 2 पेड़ लगाए तो 2-व्हीलर मिले, और जो 4-व्हीलर खरीदता है उसको कम से कम 4 पेड़ लगाए तो उनको 4-व्हीलर का लाइसेंस या उनको नहीं। लेकिन भैया, आप 4 पहिए की गाड़ी ले रहे हैं तो 4 पेड़ तो लगा दीजिए। तो मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा कि बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है तो उस हिसाब से बहुत सारे पेड़ भी लग जाएंगे, तो डेफिनेटली पर्यावरण को कुछ ना कुछ, दैट्स अ गुड आइडिया। अली के पीछे बजरंग बली। बता रहा हूँ लोगों को, आई थिंक थ्रू माई वॉइस, थ्रू माई फेस के बॉस, यू नो आई एम सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव एज अ ह्यूमन, फॉरगेट एज अ सेलिब्रिटी, एज अ ह्यूमन आई फील इट्स माई राइट टू सपोर्ट दिस एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। और जो भी कोस्टल रोड को अपोज करता है मुझे लगता है बहुत गलत कर रहा है, जब 16 मिनट लग जाते हैं 1 किलोमीटर जाने के लिए, और हम सब के फेफड़े हैं वैसे ही, ये जो मैंग्रोव्स हैं इंडिया, ये मुंबई के फेफड़े हैं, ये इनकी वजह से हमें बहुत अच्छी फ्रेश हवा मिलती है, तो ये जितना हो सके मैं बचाना है। अगर कोई रेलवे या मेट्रो के लिए कोई शेड बनने के लिए थोड़े से कट रहे हैं तो उतने और रीप्लांट किए जाएँ, लेकिन कोई आदमी आके इन्हें काट के घाट बना के बेचे वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपका फ़र्ज बनता है कि आपके मैंग्रोव्स को आप फ़ोटो खींचें, वो फ़ोटो अपने पास रखें, और कभी भी आपको कुछ कटते वटते दिखे तो इमीडिएटली फ़ोटो खींच के अथॉरिटीज़ को करें। हम लोगों को पता है कि बीजेपी ने जितनी ब्यूटीफुली पिछले 5 साल में इंडिया को चलाया आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं चलाया, और अगले 5 साल में मोदी जी जो करिश्मा करने वाले हैं उसमें अगर हम सबका फर्ज बनता है, उनका हाथ बटाएं, हम सब भी साथ दें, सिर्फ उनसे सब कुछ ना एक्सपेक्ट करें, तो प्लीज़ एक भी मैंग्रोव कटने ना दें। और अगर कोस्टल रोड के लिए कुछ कट रहा है तो वो लोग अपने आप दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लगाएंगे। मुझे बड़ा मजा आता है पेड़ लगाने में, मैं पेड़ हमेशा लगाता रहता हूँ, और जब वो पेड़ बड़े होते थे मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, तो सब लोग प्लीज़ अपने अपने घर के बाहर पेड़ लगाते जाएं, ताकि थोड़े बहुत अगर पेड़ काटने पड़ते कुछ रोड एक्सटेंड करने के लिए तो उसमें कुछ सोच नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है जब भी रोड बड़ी होने के लिए पेड़ कटता है तो कटना चाहिए, और उसकी जगह 100 पेड़ अपने आप लगा दो। मैंने बहुत पेड़ लगाए, इस बार बारिश की वेट कर रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है। गॉड ब्लेस, थैंक यू। इनिशिएटिव लिया गया है एंड इसके बारे में सोचा गया है, मैं अभी ऑस्ट्रिया से आई थी और मैं वही देख रही थी कि सैटरडे संडे फैमिली गोज विद एवरीबॉडी गोज एंड सिट इन द पार्क, उनके वहाँ इतनी फैसिलिटी होती है और हमारा ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंग्रोव्स को सेव करने के लिए वर्ल्ड एनवायरमेंट पर ये जो इन्होंने स्टेप लिया है, ऑब्वियसली वी ऑल आर हियर टू सपोर्ट एंड हमेशा हम सपोर्ट करेंगे, एक तो हमारी गवर्नमेंट को, सेकेंडली एक कॉज बहुत अच्छा है जो इन्होंने लिया है। अगर हम बींग एन एक्टर नहीं सपोर्ट करेंगे तो आम जनता कैसे उसके लिए बारे में अवेयरनेस होगा और कैसे वो सपोर्ट करेगी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ इट एंड मेरा सपोर्ट आप लोग के साथ हमेशा रहेगा, बढ़ेगा। आपने देखा है एनवायरनमेंट के प्रति युवाओं में वैसे काफ़ी जोश है, और जब से पिछले 5 वर्षों से लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति एक उत्साह भी है, और मोदी जी के स्वच्छ भारत चाहे एनवायरनमेंट है चाहे योगा है, तो युवाओं को काफ़ी उसके प्रति लगाव भी है, और आने वाले समय में अपने धरती को, माँ धरती को बचाने के लिए और उसके प्रति चाहे पेड़ है चाहे पॉल्यूशन है प्लास्टिक है, सब लोग मिलकर इसके लिए काम करेंगे। नागरिक जागरूक हुए देश के प्रति, और मैंग्रोव से एक छोटी सी मुहिम है जिसकी शुरुआत मैंने की है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब यहां पे इकट्ठा हुए आए, और इसको हर साल थोड़े थोड़े साथ जुड़ते रहेंगे और इस मुहिम को बड़ा करते रहेंगे। एक हेल्पलाइन नंबर इसकी शुरुआत हो कि आज के जो हमने वॉक निकाली उस वॉक का पूरा निचोड़ क्या है। तो मेरा सामान्य महाराष्ट्र सरकार को हम इसका आज यहाँ पे शाम को रात को मुख्यमंत्री से दरख्वास्त करेंगे कि एक हेल्पलाइन नंबर BMC के
अंदर आप मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर को बोल के चालू करें, और मैंग्रोव के अंदर जो भी कटिंग करता है, इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट करता है, उसको 24 आवर्स के अंदर उसके अंदर एक्शन होना चाहिए, उसको रीइंस्टेट करना चाहिए।